नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल कहे जाने वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लापरवाही को देखते हुए कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कहीं ना कहीं अब जम्मू वासियों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। और आज अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा एक विरोध दर्ज किया गया है और इन्होंने आज उपराज्यपाल भवन का घेराव करने की कोशिश की है, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो रास्ते में रोक दिया। तस्वीरों में मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के जो सदस्य हैं वो आज अपना विरोध कहीं ना कहीं दर्ज कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये मांग की जा रही है कि वो एक बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा ज़रूर करें ताकि वहाँ की व्यवस्था को देखा जा सके और उस ढीले रवैये को जो है जो लोग ढीला रवैया अपना रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को यहीं पर रोक दिया गया है। अब सोपैया में थे बैक टू विलेज के उसके कार्यक्रम में, वो बोलते हैं कि आतंकवादी वापसी करें, हम उनको नौकरी भी देंगे और उनको सहायता भी करेंगे। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो लोग आतंकवादी हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है। जम्मू में लगातार लोग जो हैं वो GMC में मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर प्रोवाइड नहीं करवाए। आपने देखा कल भी एक व्यक्ति जो है वो मरा। GMC लगातार जो है दावे कर रहा है कि नहीं यहाँ पर सब ठीक है, लेकिन कल भी वो व्यक्ति कैसे मर गया? उसके परिवार के लोग बोल रहे हैं कि 1.5 घंटा लगा दिया उन्होंने टेस्ट करने में और उस व्यक्ति को ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी, वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, लेकिन उसको वो प्रोवाइड नहीं कराया गया। इसका मौत का कारण कौन है? जो इतनी मौतें लगातार रोज़ हो रही हैं उनके मौत का कारण कौन है? वो LG साहब खुद हैं, क्योंकि यहाँ की सत्ता LG साहब के पास है और उनकी जिम्मेवारी थी कि जहाँ पर इतनी मौतें हो रही हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, इतने लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आज आप रोड में निकलेंगे किसी से ही पूछेंगे वो GMC को गालियां देगा, तो LG साहब उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो दूसरी लाइन में चल रहे हैं। तो हमें LG साहब से बड़ी एक अपेक्षा थी कि नए LG साहब आए हैं, एक लोह पुरुष माने जाते हैं, एक डेवलपमेंट मैन माने जाते हैं ये, और ये ग्राउंड लेवल के लीडर हैं और ये जम्मू की भावनाओं को समझेंगे और जम्मू में, लेकिन वो भी कश्मीर को खुश करने में लगे हुए हैं। ये भेदभाव जो है ये ख़त्म नहीं हो रहा। जम्मू ने आज तक जो चीज़ें ली हैं लड़के ली हैं, तो हमें लगता है कि अब GMC के लिए भी हमारी लड़ाई जो है वो जारी है। और बाकी मैं बता दूं कि कुछ पार्टियों के लोग जो आज GMC का दौरा कर रहे हैं, आज 7 महीने 8 महीने से उनको याद नहीं आया कोविड। अब जब कोविड की में मौतों की भी थोड़ी कमी आई है, लेकिन जो कमियां बनी हुई हैं उसके बाद ये आज जो है वहाँ दौरे कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। जी कल भी भाजपा के 3 जो एक्स कैबिनेट मंत्री थे, जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उनका भी कल दौरा हुआ, जो MP है उनका भी कल दौरा हुआ, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि वेंटिलेटर कितने, मीटिंग करने के बावजूद भी वो ये नहीं बता पाए कि आखिर वेंटिलेटर है क्या, तो क्या लगता है कि जम्मू वासियों को दिखावे के लिए ये दौरे किए जा रहे हैं, असलियत में ग्राउंड पर देखने को कुछ नहीं मिलता? देखिए वो दिखावे के लिए, अब ये एक कमरे में अपनी मीटिंग करते हैं और वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, क्या लोगों को दिखा नहीं रही है कि हम मीटिंग कर रहे हैं, हम बड़े आपके लिए चिंतित हैं? ये वेंटिलेटर नहीं पता कितने वेंटिलेटर, फिर मीटिंग किस चीज़ की कर रहे हैं, इनको खुद नहीं पता। ये अपना ट्रीटमेंट सभी ने नारायणियों में करवाया, एक भी वो बंदा बता दीजिए, इनका एक भी नेता बता दीजिए जिसने GMC में अपना वो करवाया, ट्रीटमेंट कराया। ये लोगों के निमाइती बने हुए हैं, लोगों के लिए लड़ने का दिखावा दिखा रहे हैं, लेकिन अपना ट्रीटमेंट भी तो GMC में करवा के दिखाते हैं। इनको GMC के ऊपर यकीन ही नहीं है, तो आम व्यक्ति को कैसे यकीन होगा? गरीब व्यक्ति जाएगा तो जाएगा कहाँ? वहाँ 1-1.5 लाख रुपए खर्च हो जाता है, ये कर सकते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति कहाँ से करेगा? गरीब व्यक्ति को मजबूरन वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर एक डर बना रहता है कि हम अंदर सही जा रहे हैं, आएंगे वापस पता नहीं किस प्रकार से। तो इस प्रकार से कि ये गंदी राजनीति ये जो खेली जा रही है, हमें किसी राजनीतिक पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से कोई ईर्ष्या नहीं है,
कोई उनसे लेना देना नहीं है, लेकिन हमें लोगों की चिंता है, जो गरीब जनता है उनकी चिंता है, उनको सही तरीके से उपचार जो है मुहैया कराया जाए, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँ। तब तक जब तक उनको प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे हम शांत नहीं बैठेंगे। हमारा ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा जब तक गवर्नर साहब, उपराज्यपाल साहब वो जीएमसी का दौरा नहीं करते और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करते, तब तक हमारी ये आंदोलन वो लगातार जारी रहेगा। बातचीत करने के लिए तो साफ तौर से अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज प्रदर्शन किया गया और उपराज्यपाल भवन का घेराव करने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता भी जो हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि जीएमसी के डीलर रवैये की जानकारी जो है वो उन्हें दी जाए, ताकि जीएमसी में जो डीलर रवैया है उससे सख्ती बरती जाए और जो लोग डीलर रवैया बरत रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो यूँ ही बन रहे हैं द पब्लिक के साथ, धन्यवाद।